प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के प्रैक्टिस नंबर 2 के इस वीडियो में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक उसी तरह से आज के इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को, हिंदी के सेंटेंस को किस तरह से इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट किया जाता है। अच्छा, अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वीडियो को देखिए। वहाँ पे आपको सभी रूल्स पहचानने के तरीके, स्ट्रक्चर आपको बताया गया है कि किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानते हैं, क्या पहचान होता है और किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आइएगा इस वीडियो पे जहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे कि इन सभी सेंटेंस को कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको इन सभी सेंटेंसेस के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे सेंटेंस क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, वह पढ़ा रहा है, हम बाजार जा रहे हैं, सीता गाना गा रही है, इस तरह से ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, ये सभी सेंटेंसेस किस टेंस के सेंटेंसेस हैं, ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस हैं। चलिए हम अब वीडियो को शुरू करते हैं और सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो ये सेंटेंस होगा, आई एम स्टडिंग हो गया। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग वह पढ़ा रहा है। देखिए, पढ़ना किसके मतलब होता है, स्टडी का, और पढ़ाना किसके मतलब होता है, पढ़ाना टीचिंग का मतलब होता है पढ़ाना। हम बाजार जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी आर गोइंग टू मार्केट। सीता गाना नहीं गा रही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग। यहाँ पे देखिए, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, आप इस तरह से कहते हैं। क्या आप मूवी देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे आर यू वॉचिंग द मूवी। वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ ही गोइंग। वहाँ कौन जा रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे हु इज़ गोइंग देयर। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उसका भाई नहीं नाच रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अगर बात होगी लड़के के बारे में, जैसे अगर किसी लड़के का भाई या किसी मेल का भाई, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हिज। लेकिन अगर किसी फीमेल का भाई होगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हर। ठीक है, हिज ब्रदर या हर ब्रदर। ठीक है, हर ब्रदर इज नॉट डांसिंग। हो गया कंप्लीट। लड़के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे what are the boys doing, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्कूल कौन जा रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे who is going to school who is going to
स्कोर हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप मोबाइल चला रहे हैं, देखिए यू आर ऑपरेटिंग द मोबाइल, यू आर ऑपरेटिंग द मोबाइल हो गया। वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, आप यहाँ पे लिखेंगे why is he not coming here हो गया। राम मैच क्यों नहीं खेल रहा है, यहाँ पे आप लिखेंगे why is Ram not playing the match, यहाँ पे आप लिख देंगे, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे we are playing football। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं इन सभी सेंटेंसेस में जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, जो मैंने अभी आपके सामने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इन सभी सेंटेंसेस में आप कॉमन क्या देख रहे हैं। कॉमन ये कि सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, वो किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, इज, एम और आर का। ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज किया जाता है। और अगर आप मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे देखिए जितने भी मेन वर्ब का यूज यहाँ पे किया गया है, ये सभी किस फॉर्म में यूज किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का मतलब क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये दो आप मत भूलिएगा कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मेन वर्ब किस फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके सामने ये 15 सेंटेंसेस रखे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस थे, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से इस टेंस के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश से हिंदी में किस तरह से ट्रांसलेट करना है, आपको बताया जाएगा। आप इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से वन बाय वन करके हर एक टॉपिक को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।